दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको पूर्वमुखी हाउस प्लान ग्रामीण नक्शा बता रहा हूँ। ये इस प्रकार से है, ये रोड है पूर्व साइड में, ये आपका खुला बरेंडा है, ये आपका ऐसे जाके ये पूजा घर है। आप चाहो तो यहाँ से भी दरवाज़ा दे सकते हो। और ये आपका बरामदा है 12 साढ़े 12 ऐसे 8 फुट ऐसे, ये 8 5 8 ऐसे 5 ऐसे ये पूजा घर। और 12 6 ये डाइनिंग है, 12 6 बाई 10। और एक ये रूम है 12 6 से 9 3 ऐसे पीछे का रूम है। और एक रूम ये है 12 6 बाई 9 3 का, ये 12 6 से 9 3 ऐसे। और आपका जीना है 12 6 बाई 7 का। और ये आपकी रसोई है, यह है 12 6 बाई 8 यहाँ तक। और इसमें आप चाहो तो एक स्टोर निकाल के यहाँ से दरवाज़ा लगेगा, जीने के नीचे से आप स्टोर बना सकते हो 6 फुट तक, उसके ऊपर से आप ये खिड़की निकाल सकते हो इधर। और आप एक इधर साइड में एक छोटी अलमीरा भी निकाल सकते हो, इस तरह से यह है। और एक बैठक रूम गेस्ट रूम है, ये बड़ा रूम है, ये आपका 12 6 बाई 10 3 का ये गेस्ट रूम, बाहर से ये बरामदा होगा, ये होगा लेट्रिन बाथरूम, इसमें दिया ना लेट्रिन बाथरूम, उन्होंने यहाँ बना हुआ है, अलग से जगह है इसलिए यहाँ बना हुआ है। ग्रामीण नक्शा है, किसी दोस्त ने बनवाया, आपको चाहिए तो इसमें अंदर लेट्रिन बाथरूम भी सेट हो सकते हैं। अभी मैंने फिलहाल में बाहर हैं इसलिए दिखाया नहीं इसमें। और इस तरह से प्लान होगा, 1 2 3 पिलर, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 टोटल आपके इसमें पिलर होंगे। इस तरह से प्लान है, वास्तु देख के बना हुआ है, ये पूजा घर है इसी में, और लेटरिन बाथरूम बाहर है। और मैं नदी से दिखा देता हूँ, साइज ऐसे हैं, इस तरह से प्लान है। आपको प्लान अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, और अपना प्लॉट किसी को ज़रूरत है तो साइज़ दिशा कमेंट करना। धन्यवाद। और नज़दीक से दिखा देता हूँ, और आप भी शायद देख सकते हो इस तरह से। ये ओपन है, चारों तरफ से खुला है, तीनों तरफ से कोई मतलब वो नहीं है मकान इसमें, इसलिए खिड़की बाहर दिखा रखी है, इस तरह से है ये।